हेलो गाइस, इस वक्त जो मैं वीडियो देने वाला हूँ वो है बेसिकली भारत के फाइटर जेट्स के ऊपर, जो कि नेवी के अंदर जेट्स इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर। तीजा शायद आपने नाम सुना होगा फाइटर जेट के हवाले से। तो बेसिकली ट्विन टीजाज, जो ट्विन इंजन बेस्ड फाइटर जेट है, ये इसी का उनवान है इसमें, कि खूबियाँ जान के आप हैरान रह जाएंगे। तो वो खूबियाँ हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। काफ़ी कुछ नई मालूम पता करने को मिलेंगी जेट्स के हवाले से। तो ये भारत टाक का ये वो है लिंक, इसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। चले आए देखते हैं इसके ऊपर, एक फटाफट से रिएक्शन देखते हैं। मैं खुद देखूंगा क्योंकि मैंने भी अभी वीडियो देखी नहीं है। थ्री डी विजुलाइजेशन की डीआरडीओ और एचएएल कई सारे स्वदेशी फाइटर जेट्स को विकसित करने पर साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आज बात होगी भारत के उस स्वदेशी फाइटर जेट के बारे में जिसे खास तौर पर नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये फाइटर जेट नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस विमान में बड़े पैमाने पर स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना है, और नए मॉडल से साफ तौर पर पता चलता है कि इसके आगे का हिस्सा पांचवी पीढ़ी के विमान यानी F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट की तरह होगा, और इस वजह से ये और भी ज्यादा खास हो जाता है। ये नौसेना के लिए बनाया जा रहा फाइटर जेट है वो आसानी से रडार पर नहीं दिखेगा। विमान को TEDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर नाम दिया गया है। दो इंजन वाले इस विमान को जल तेजस की तरह एक नाम दिया जाएगा। एयरो इंडिया में ये पहली बार दिखा, जब इस विमान से जुड़ी सबसे ज्यादा जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने आई। ये विमान INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमान वाहक नौसैनिक जहाजों का भविष्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये समंदर में भारत की हवाई ताकत बनेगा। अब जानते हैं कि आखिर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की खासियत क्या होगी। विमान को हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली कई मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस और अस्त्र जैसे हथियार शामिल होंगे। इसमें रिफ्यूलिंग का फीचर होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक विमान से दूसरे विमान में ईंधन हवा में ही भरा जा सकेगा। इसके अलावा इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से विमान लैस होगा, जिसकी वजह से ये विमान दुश्मन रडार और हथियारों को जाम करने में सक्षम होगा। विमान के पंख फोल्ड हो सकते हैं और इसलिए जहाज पर छोटी जगह में भी यह आसानी से फिट हो जाएगा। इस फाइटर जेट में कुछ बदलाव करके इसे वायुसेना के लिए भी तैयार करने की भविष्य में योजना है। शक्तिशाली इंजन की मदद से LCA जैसी ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने के लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प भविष्य में साबित हो सकता है। आपको बता दें कि भारत में इस समय TEDBF के अलावा तेजस के मार्क टू वर्जन और पांचवी पीढ़ी के MCA को तैयार करने पर भी काम हो रहा है। मौजूदा वक्त में 4.5 जनरेशन के राफेल और सुपर हॉर्नेट के मुकाबले स्वदेशी TEDBF लड़ाकू विमान के पांचवी पीढ़ी का होने की संभावना है। TEDBF लड़ाकू विमान में राफेल की तुलना से अधिक जोरदार थ्रस्ट और पेलोड क्षमता होगी। ADA के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार TEDBF लड़ाकू Mach 1.6 की रफ्तार हासिल कर लेगा। ये विमान 16.2 मीटर यानी 53 फीट लंबा होगा और ये एक मल्टी रोल फाइटर होगा। जेट में एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर और अस्त्रा मिसाइल जो है वो लगी होंगी। इसके अलावा इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 और रुद्रम 2 को भी ले जाने की क्षमता होगी। TEDBF में भी ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता होगी। वहीं तीसरा फाइटर जेट तेजस का एडवांस्ड वर्जन है, इस पर ADA काम कर चुकी है। 2026 तक LCA MK2 तैयार हो जाएगा, जो तेजस MK1 से न केवल आकार बल्कि इंजन की भी क्षमता में बड़ा होगा। LCA MK2 भारतीय वायुसेना के पास मौजूद 2000 श्रेणी के विमानों की जगह लेगा। MK2 की मारक क्षमता अधिक होगी और ये विमान 6.5 टन हथियार ले जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक। वेरी नाइस। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भारत देख रहे हैं आप कितना आगे जाता जा रहा था, उसी तरह आप ये जेट्स के अंदर भी अपने आगे जाता जा रहा है। डिफेंस के अंदर एयर डिफेंस बहुत ज़रूरी होता है किसी ने किसी भी उसके लिए, लेकिन ये ख़ास तौर पे ये नेवी के लिए बनाया गया जहाज़ है, और काफ़ी इसके अंदर काफ़ी खूबियाँ इसके अंदर दिखाई हैं कि वो अपने एयर को फोल्ड कर देता है, अपने विंग्स को फोल्ड कर देता है। ये बहुत बड़ी खूबी है। ये जो कि कंजस्टेड एरियाज है ना, वहाँ के लिए एक बार फ्लाई कर जाए तो फिर आप उसको उसका साइज छोटा कर सकते हैं और फिर आप अपने कहीं भी रोम अराउंड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।